Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, as all of you know that suddenly हमें कोविड की सिचुएशन की वजह से दोबारा जो है ऑनलाइन मोड के ऊपर जाना पड़ रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट मोड फॉर मी फॉर माई सेल्फ एज वेल एज यू पीपल टू मेनटेन द डेकोरम. बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और बहरहाल हमारे पास कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है. हमें यही कहा गया है कि GPS की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट होंगी. बीइंग एन HOD मैंने सब टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं. एज फार एज माई कोर्स ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज कंसर्न्ड, मैं आप लोगों का एक गूगल क्लासरूम बना रही हूँ जिसमें आप लोगों के डेट वाइज लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड होंगे. 4 to 5 लेक्चर्स पर वीक इंशाल्लाह हम इसकी यही फ्रिक्वेंसी रखेंगे. नंबर 2, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी ये चीज़ें पोस्ट हो जाएंगी. ये LU डिकम्पोजिशन मेथड जो है आपको याद होगा कि हमने क्लास में शुरू किया था और ये जो अगर आप week 4 के ऊपर जाएं तो ये week 4 की जो है हमने क्लास में जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था. और अब ये जो ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड है जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसको चोलिस्की मेथड भी कहते हैं, LU डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं. तो ये सारे जो मेथड हैं इसके दीज आर द सिनोनिम ऑफ दिस मेथड. और ये मैं एज फार एज माई मेमरी इज कंसर्न हम क्लास में इसको हम बहुत शैलो लेवल पे हमने डिस्कस किया था. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके थे. मैंने ना इसकी वही एग्जाम्पल दिया जो कि मैंने क्लास में स्टार्ट करवाई थी और ताकि आप लोगों को जो है आसानी हो जाए सुनने में. अच्छा जी, यही वाली एग्जाम्पल है जी. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. मैंने इस वक्त 3 जो है 3 वेरिएबल में इसको इन्वॉल्व किया है और इसको यू नो दैट के कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद मैंने आप लोगों को पहला स्टेप ये बताया था कि जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके अंदर आपने क्या करना है. आई विल रिकमेंड कि जनाब आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, बट आप एक अपना रजिस्टर मेंटेन करें और इसमें साथ साथ जो है ना इसकी पॉज कर करके आप उसकी अपनी कैलकुलेशंस करें और फिर मेरी कैलकुलेशंस के साथ टैली करें, क्योंकि ये कोई इतना जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है. अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास ये था, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपने रिप्रेजेंट करना है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में. अब आप ये देखेंगे 1, 5, 1, यही वाला मैंने सेम मैट्रिक्स दिया है. और आपको याद होगा कि ये जो सपोजिशन हमने करनी थी इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये 1, 1, 1 एंट्रीज होनी चाहिए और ये वाली जो है L21, L31 और ये जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्सेस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने सोच लिया और एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कर लिया. यानी L स्टैंड फॉर द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और ये U स्टैंड फॉर द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और इसकी जो एंट्रीज हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज को 1, 1 कर रहे हो तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी आप लोगों के लिए. तो जनाब फिर हमने ये किया नेक्स्ट के लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और इनकी एंट्रीज को इक्वेट किया. अब आप ये देखें U11 की एंट्री को इसकी पहली एंट्री के साथ इक्वेट किया, U22 एंट्री को आपने इस एंट्री के साथ, यानी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं. तो इस चीज के थ्रू हमने फिर U11, U12, U13 की वैल्यूज हमने इस तरीके से निकाल ली. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज जो है ये L21 और L, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अब इसको जो है किसके इक्वल इक्वेट करना है, 2 के इक्वल इक्वेट करना है. ठीक है जी, तो जब हमने यहाँ से 2 के इक्वल इक्वेट किया तो हमारे पास U11 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास यहाँ से इस्तेमाल हो गई और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी. और इस तरीके से हमने सारी जो वैल्यूज है ना इनको सॉल्व कर लिया जितनी भी. अब आप यहाँ पे देखो आपके पास कितनी वैल्यूज थी, L21, L31, ये 3 अननोन इसमें थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अननोन्स हैं. इसको निकालने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, रो एचलन फॉर्म और लेकिन मैं ये जो आसान तरीका है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आप मल्टीप्लाई करें और इसका कंपैरिजन कर लें. तो अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपके पास ना ये सारी वैल्यूज जो है वो निकल आती हैं. और जब आपके पास वैल्यूज निकल आई हैं तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है उसकी फॉर्म में आपने इसको लिख दिया.
अच्छा, अब ये है कि जी बेसिकली आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही थी कि आपने ए मैट्रिक्स को स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर, यानी एल यू जो है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास ए है, ठीक है। आपने इसको ए को स्प्लिट किया इंटू लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने ना सीक्वेंस का ख्याल रखना है, आपने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और x को y सपोज कर लिया, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और y की वैल्यू जो है y1, y2 और y3 है। अब आपने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को y के साथ मल्टीप्लाई करना है अलोंग विद द कांस्टेंट मैट्रिक्स व्हिच रिमेन एट द राइट हैंड साइड। अच्छा, एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि क्योंकि आप सपोजिशन जो, क्योंकि मैट्रिसेस में ना ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड नहीं करते, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। तो हमने ये वाली जो चीज़ है ना, मैं इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने इसका ऑर्डर जो है ना वो बहुत ध्यान से, यू एक्स जो है ना इसको मैंने वाई सपोज किया, तो जब मैंने वाई की वैल्यू को यहाँ पे डाला तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की है। तो ब्राय मेहरबानी आपने इस ऑर्डर का ख्याल रखना है कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ ही वाई के मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपका ये निकला था, इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y1 की वैल्यू, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बड़ा सिंपली y1, y2 और y3 की वैल्यूज निकल आई हैं। और फिर क्योंकि हमने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को y के इक्वल सपोज कर लिया था, अब हम इसको लोअर ट्राइंगुलर सॉरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रीसब्स्टिट्यूशन करके x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैंने एक पूरा सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। इसकी मैं ना समरी जो है ना वो आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं अगर एक ब्लैंक स्लाइड खोलूं तो आप लोगों के लिए ज्यादा सहूलत हो जाएगी समझने में कि बेसिकली ब्लैंक स्लाइड ना, मैं ये कर रही हूँ कि आपके पास ए जो है बेसिकली आपने जब स्टार्ट किया था स्टेप नंबर वन, आपके पास क्या चीज थी, आपके पास एक मैट्रिक्स था ए और उसको जब आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास मैट्रिक्स आया था बी, ठीक है, ये आपके पास स्टार्ट हो जाता है। अब स्टेप नंबर टू क्या था, आपने स्टेप नंबर टू ये किया कि आपने स्प्लिट किया ए इंटू